हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जो बीपीएससी टीयर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिस्ट्री का जो मतलब सोशल साइंस का हिस्ट्री था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था कि किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हुई। ठीक है, यानी कि वो कौन सी ऐसी घटना थी जिससे राष्ट्र संघ का प्रभाव धीरे धीरे गिरने लगा। ठीक है, क्या है? पहला ऑप्शन था जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, तीसरा था एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण, चौथा था उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। ठीक है, यानी कि यूरोप में जो 1848 की क्रांतियाँ हुई उनमें कौन कौन सी मांगें प्रमुख थी। ठीक है, ऑप्शन क्या था? पहला था राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, दूसरा था धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, तीसरा था आर्थिक समानता और समाजवाद, चौथा था डी था यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था। ठीक है, यानी कि जो बोल्शेविक मतलब थे, ठीक है, उनका नारा क्या था? क्या वो शांति, भूख और रोटी था? ठीक है, सॉरी, शांति, भूमि और रोटी, दूसरा दुनिया में मजदूरों एक हो, ठीक है, और तीसरा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या था आपका? चौथा क्वेश्चन था किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। ठीक है, यानी कि कौन सी ऐसी घटना घटी जिसने खिलाफत आंदोलन को और उत्प्रेरित कर दिया। ठीक है, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, दूसरा था वर्सायी की संधि, तीसरा बंगाल का विभाजन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा। ठीक है, यानी कि वो कौन सा ऐसा समझौता था जो भारत और चीन के बीच में हुआ जिसमें सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा। ठीक है, जिससे अंततः संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, अब ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था पंचशील समझौता, तस्कंद समझौता, शिमला समझौता, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पांचवा था। छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान वो कौन सा ऐसा नीति था, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। ठीक है, क्या वो रॉलेट एक्ट था, क्या वो साइमन कमीशन था, क्या वो भारत का सरकार अधिनियम था, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन क्या था आपके पास? सातवां क्वेश्चन दिया गया था सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। ठीक है, यानी कि ये आपका सातवां क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन था आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था हर्ष, अशोक महान, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आठवां क्वेश्चन पूछा गया था कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। ठीक है, ऑप्शन था आपके पास इससे वियत मिन्ह की स्थापना हुई, दूसरा था इसके परिणामस्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दे दी गई, तीसरा था कि इनसे फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नौवां क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। ठीक है, इनकी 1854 में जो वुड डिस्पैच जो लागू हुआ था, ठीक है, वो किससे संबंधित था? ऑप्शन था सामाजिक सुधार, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, या फिर आधुनिक शिक्षा, या उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दसवां नंबर कि इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किससे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ, ठीक है, तो इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? क्या वो ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, या जोसेफ मेजनी थे, या जोसेफ गेरिबाल्डी थे? ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि पंजाब में 1816 में फुलका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, यानी कि जो फुलका विद्रोह था
उसके नेता कौन थे ये पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन के पास था भगत सिंह, खड़क सिंह, बंदा सिंह बहादुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आया था कि किस हड़प्पा स्थल पर, ठीक है, हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। क्या वो बनवाली था, क्या वो लोथल था, क्या वो कालीबंगन था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये दिया गया था कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई, ठीक है। यानी कि किस संधि के बाद राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऑप्शन क्या था आपके पास, वर्साय की संधि, या वो ट्रायोन की संधि थी, या फिर ब्रेस्ट-लिट्वर्स की संधि, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया था कि स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी, ठीक है। कह रहे स्टेलिनग्राद की लड़ाई जो थी, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वो कह रहे कि वो जो स्टेलिनग्राद की लड़ाई थी वो किन दो देशों के बीच में हुआ था, ठीक है। क्या वो जर्मनी और सोवियत संघ था, या इटली और फ्रांस था, या संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान था, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देगा था कि 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था, ठीक है। क्या वो बिपिन चंद्र पाल थे, या लाला सत्याल थे, या विनायक दामोदर सावरकर थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16 था कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई, ठीक है। क्या था उस पुस्तक में, ठीक है, सीधा सीधा उस पुस्तक में क्या लिखा गया था। कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार का प्रचार करना था। दूसरा, जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत करना था। तीसरा था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। चौथा था, उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा था, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला था कि 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 1916 में जो कांग्रेस था, कांग्रेस के मतलब जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। क्या वो एनी बेसेंट थी, या अंबिकाचरण मजूमदार थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या उपयुक्त में से एक सदी के, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। क्या मतलब कैसे प्रभावित किया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो भारत के व्यापार को, ठीक है। तो ऑप्शन था इसमें, इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में रिसेस हुआ था, ठीक है, या इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था। तीसरा है कि निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। चौथा था, उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है, ठीक है। क्या वो ऋग्वेद है, या यजुर्वेद है, या फिर उपनिषद है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सीधे पूछा गया था कि जो दांडी मार्च गांधी ने किया था उसकी दूरी क्या थी, ठीक है। क्या वो 200 किलोमीटर था, या 241 मील था, या 400 किलोमीटर है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था, ठीक है। क्या वो रानी कंडेलू थी, या टिकेंद्रजीत सिंह थे, या जदुनाथ शर्मा थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ये पूछा गया है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। क्या वो लॉर्ड मिंटो थे, या लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कैनिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से
कोई नहीं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, ठीक है। भारत में जो सबसे पहला सूती मिल था वो कब स्थापित किया गया, क्या वो 1854 में या 1861 में, 1818 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ASI के पहले निदेशक कौन थे, ठीक है। ASI के पहले निदेशक कौन थे, क्या वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे या RD बनर्जी थे या जॉन मार्शल थे, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव रहा, ठीक है। ऑप्शन था आपके पास, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, या दूरदराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। तीसरा था, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास किया गया था, ठीक है। क्या वो न्याय था, मीमांसा था, वैशेषिक था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था, ठीक है। यानी कि ताना भगत आंदोलन किस राज्य में हुआ, क्या झारखंड में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था या केरल में हुआ था, ठीक है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी टिस्को, ठीक है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई, ठीक है। क्या वो 1857 में हुआ था या 1907 में हुआ था या 1875 में हुआ था या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, 29 नंबर क्वेश्चन था कि किस आदिशियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था, ठीक है। वो कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय बनवाया था, एकत्रित किया था, ठीक है। क्या वो अशुभ निपाल था, ठीक है, या एसर हदून था या सिलेमिनेस था या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था, ठीक है, यानी कि मंगोल जो साम्राज्य था उसमें यम किसको कहते थे, क्या वो कानून संहिता था या फिर कुदियत प्रणाली थी या भोजन भंडारण की तकनीक था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तिभागा आंदोलन की मांग क्या थी, ठीक है। 1940 के दशक में तिभागा जो आंदोलन हुआ बंगाल में उसकी मांग क्या थी, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कि फसल का एक तिहाई हिस्सा बटाईदार को दिया जाएगा, ठीक है, फसल का एक तिहाई हिस्सा बटाईदार को दिया जाएगा या भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण किया जाएगा या फिर जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 32 नंबर क्वेश्चन क्या था, दिया गया था कि 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की, ठीक है। क्या वह सामान्य ज्ञान था या स्वतंत्रता की घोषणा थी या द फेडरलिस्ट पेपर्स था या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 33 नंबर क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे थे उनको उनके परिवारों से किस मतलब नीति के तहत उनसे अलग किया गया था, क्या वो श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति था या मूल शिक्षक अधिनियम था या आत्मसात नीति था या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गद्दर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे, ठीक है। यानी कि गद्दर आंदोलन के डायरेक्टली पूछा है कि गद्दर आंदोलन के नेता कौन थे, ठीक है, क्या वो भगत सिंह थे या करतार सिंह सलाबा थे, लाला लाजपत राय थे, ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था, ठीक है, यानी कि उसका पुराना नाम क्या था, क्या वो पाटलिपुत्र था या राजगीर था या ग्रहराज था, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि मुल्ला मस्कत और बोलन क्या है, ठीक है, ये मुल्ला मस्कत और बोलन जो है वो क्या है, उनका शाब्दिक अर्थ क्या है, पर्वत की चोटियां हैं या पर्वतीय दर्रे हैं या कश्मीर के शहर हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया था कि हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है, ठीक है, यानी कि जो हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखा है उसका शीर्षक क्या है, क्या वो मीन कैम्फ है या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, दास कैपिटल है या उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था, ठीक है, क्या वो 1930 था, 1946 था, 1942 था, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली था, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि द हिंदू अखबार जो 1878 में प्रकाशित हुआ था उसका प्रकाशन किसने किया, ठीक है, क्या वो महात्मा गांधी थे या बी राघवाचारी थे, ठीक है, या जी सुब्रमण्यम अय्यर थे या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और इस सेक्शन का जी हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन क्या था, 40वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रबंध लगा दिया, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया, यह किस वर्ष पारित हुआ था, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया था, क्या वो 1880 था या 1885 था या 1878 था या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये टोटली 40 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 6 to 8 वाले हिस्ट्री के सेक्शन में, ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको आने वाले जो मतलब TRE 4 TRE 5 जो मतलब आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही लाभ मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, ठीक है, और जो अपना फीडबैक कमेंट करें, ठीक है।